हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। दोस्तों, आज जो हमें बनाना है ना, वो बहुत ही सिंपल है, सभी लोग इसे बना सकते हैं और जो बिगनर्स है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि बहुत जल्दी से बन भी जाता है पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा पेपर फ्राई, जिसमें हम बहुत सारा ब्लैक पेपर का पाउडर यूज़ करने वाले हैं। तो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ब्लैक पेपर पाउडर, यहाँ पर मैंने ये 80 ग्राम पेपर लिया था, तो जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर ग्रीन चिली लाल पड़ गई थी थोड़ी सी, तो चल जाएगा, मैंने वो ले लिया है। दो चिली को कट करके ले लिया है। यहाँ पर हरा धनिया मैंने कट करके ले लिया है। स्वादानुसार नमक यूज़ करेंगे, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर यहाँ पर है, और चार उबले हुए अंडे। तो अब हम अंडों को ठीक बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। ये इसी तरह से हम सारे अंडों को कट कर लेंगे। ऑयल हमने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो इस वक्त हम एक एक अंडा इसमें छोड़ते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे अंडे ऑयल में इस तरह से डाल देंगे। अंडों को हमने ऑयल में डाल दिया है, थोड़ा सा इस तरह से स्टर कर लिए। ये थोड़े से चटकते भी हैं, जब इसका मॉइस्चर निकल जाएगा तो ये चटकना भी बंद हो जाएगा। बस कुछ सेकंड के लिए इस तरह से होने देंगे। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। आप देख सकते हो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है, तो हम इसे पलट देंगे। इस तरह से अंडों को हमने पलट दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे बस थोड़ा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, यूं बस, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कलर आने भर का ही हम इसमें डालेंगे, ताकि कलर और स्वाद दोनों भी एक साथ आ जाए। अब हम डालेंगे ग्रीन चिली, जो कि हमने कट करके रखी हुई थी। इसी वक्त हमें इसे भी ऐड करना है और अंडों को अच्छी तरह से एक बार इस तरह से हम स्टर कर देंगे। अब हम ऐड करने जा रहे हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि पेपर पाउडर। तो अब हम पेपर पाउडर इसके ऊपर डालने जा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी टेस्ट, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, बट ज़्यादा ही ऐड करना है तभी इसका पूरा जो फ्लेवर है और टेस्ट है आने वाला है। तो हम सभी पर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। हमने सभी पर पेपर पाउडर डाल दिया है। अब हम इस वक्त इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। अब हमने लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया है, तो अब हम इसे कर देंगे फिर से स्टर, ताकि इसके ऊपर लगा हुआ मसाला अच्छे से पक जाए। देख सकते हो आप कितना इसको अच्छा कलर आया हुआ है और टेस्ट भी उतनी ही ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो हम इन सभी को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ से हमने जब घुमा लिया है, तो फिर से हम थोड़ा थोड़ा सा बस नमक डालेंगे और इसके ऊपर से फिर से डालेंगे थोड़े से पेपर पाउडर। बस इस तरह से डस्ट करनी और कुछ नहीं। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं यू थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हमने बचा लिया है। ये हमारे अंडा पेपर फ्राई बनकर रेडी है, बहुत ही डिलीशियस यम्मी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम नए वीडियोस बनाएंगे तो उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।